आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी जयंती पर हमारे साथ फेमस मुशायरे के छोटा इमरान प्रतापगढ़ी ये आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि छोटा इमरान प्रतापगढ़ी इनका नाम बहुत दूर तक मशहूर है, तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये इनके गुरु कौन हैं और ये कहां से सीखे। जी सबसे पहले तो मैं अपनी जानकारी बता दूँ, अपने मैं मेरा नाम इमरान खान है और मुशायरों की दुनिया में छोटा इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जाना जाता हूँ। छोटा इमरान प्रतापगढ़ी मतलब नहीं, मेरा किस नाम से ऐसा फेमस हो गए जैसा वो इमरान प्रतापगढ़ी है? हाँ कुछ तो उस मतलब उनके नाम से भी और कुछ तो अल्लाह ने, अब अल्लाह जिसे मशहूर करे तो इमरान भाई को भी बहुत शोहरतें मिली हैं। तो मेरे उस्ताद मोहतरम क्या बताएं कि मेरे उस्ताद मोहतरम आजमगढ़ के एक हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, डॉक्टर बशर आजमी साहब। तो उसके बाद मुझे शौक हुआ शायरी का कब से, जब एक नज़्म इमरान भाई की, इमरान प्रतापगढ़ी की, मेरे शहर के बहुत फेमस पोइट हैं, उनकी एक नज़्म आई थी ये वाली कि अन्ना हजारे जी को शायद अनसन की बीमारी है। तो वो नज़्म मैंने देखा, वो नज़्म मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, मैंने उसे अपने कागज पर उतारा, उसे पढ़ा। जो हमारे गांव के लोग हैं वो बड़ी मोहब्बत है, बड़ी दुआएं दी, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो, तो खुद उसके बाद लिखने की कोशिश किया, तो खुद लिखने लगा। उसके बाद फिर जो है मतलब हमारे लिए, हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो मतलब 50% क्या बोले कि 80% मेरे जो अब तक जहां मैं पहुंचा हूं जिस मंजिल तक, सोशल मीडिया से पहुंचे आप? जी हाँ, यानी उसी के जरिए। जैसा ये आपका कुछ भी मुशायरा होता था तो सोशल मीडिया पे पहुंच जाता था। मैं उसका सोशल मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसी के जरिए मैं जो है आज जो कुछ हूँ, और कुछ तो उसके जरिए, कुछ तो आप बड़े बुजुर्गों की दुआएं और मोहब्बतें ये सब मिलती रही। तो जैसा ये आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी हमारी पढ़ाई जो है इंटर, आपकी बार इंटर है, 12 प्रतापगढ़ से हमारे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम पढ़ रहे हैं बायो से, तो डॉक्टरी का मतलब इरादा है। तो जैसा कि अब पहला आपको जैसा शौक हुआ जी मुशायरे का, तो पहला शौक, पहला मुशायरा कौन सा था आपका? हमारा पहला जिंदगी का पहला मुशायरा मेरा मुंबई में था जी, मुंबई ये साकीनाका में, साकीनाका में प्रोग्राम था। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि देखिए शुरुआती दिनों जो होता है वो बड़ा कठिन सा होता है कि भाई कहाँ स्टेज मिले, कहाँ मंच मिले, कहाँ हम कैसे पढ़ें। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे बस्ती सिद्धार्थ नगर के रहने वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त, वो भी सोशल मीडिया से ही मुझसे जुड़े, उनका नाम है असलम चौधरी। तो वो मुशायरा किस दिन हुआ था आप बता रहे हैं? वो भी तो वो मुझे, वो मुंबई में रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो सोशल मीडिया से मुझसे जुड़े रहे, तो उनके कुछ साथी वो मुशायरा करवा रहे थे साकीनाका वाला, तो मुझसे बोले कि बहुत रिक्वेस्ट करके भाई एक लड़का है, तो वहां मैं गया। तो अल्लाह का शुक्र कि आप बड़े भाइयों की दुआ से कि बहुत अच्छा कामयाब, बहुत प्रोग्राम कामयाब रहा। जैसा पहला मुशायरा मिला आपको तो उसमें घबराहट महसूस हुई है? बहुत ज्यादा। जैसा कि स्टेज, बहुत सारे लोगों के भीड़ में आपको पहला चांस मिला? हाँ बहुत ज्यादा। और देखिए जो मेरा पहला मुशायरा था वो उसमें भीड़ बहुत ज्यादा थी, मतलब सुनने वाले बहुत लोग थे, और मैं मतलब कामयाब प्रोग्राम रहा, तो बस वहीं से फिर ये बढ़ता गया सिलसिला। और उसके बाद फिर मुझे कॉल आ गई मऊ से, आजमगढ़ से, बिहार से, मतलब उत्तर प्रदेश और बाहरी इलाकों से फोन आने लगे, तो मैं ये सिलसिला बढ़ता। तो आपका जो पहला मुशायरा हुआ उसके दो मिसरे, उसके दो मिसरे मैंने शुरुआत की ये पढ़े थे कि वहाँ उस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे थे अबू आसिम सर। अच्छा, आमदार वहाँ के? आजमगढ़ के। आजमगढ़ के आमदार नहीं है, मुंबई के आमदार है, आजमगढ़ के वहाँ रहने वाले हैं। तो उस मुशायरे के चीफ गेस्ट वो थे, तो मैंने उनके ऊपर चार मिसरे पढ़े के थे।
उठे जो आसिम पर उंगली वो उंगली तोड़ देंगे हम। अब आए आंधियां तूफान सबको मोड़ देंगे हम। अच्छा, तो उसमें आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? उसमें शुरुआती दिनों में ढेर सारी परेशानियों का तो सामना नहीं करना पड़ा, मतलब बस ऐसा ही। अभी तक आपने कितने मुशायरे और कितने प्रोग्राम किए? कर तो बहुत लिए लेकिन प्रोग्राम में कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई और अब की बात तो इंटर है, जो बड़ा खास प्रोग्राम रहता। आप जैसे इमरान भाई, ये इनका बड़ा खास प्रोग्राम था, और पहली बात तो जिस शख्सियत के उनवान पर ये मुशायरा था वो अब जाहिर सी बात है हम रोक नहीं पाया खुद को और चले आए आपके नाम। अच्छा, तो आपने अभी तक महाराष्ट्र में कितने मुशायरे किए? महाराष्ट्र में मैं जो है आदिलाबाद हैदराबाद आदिलाबाद मुशायरे में आया हूँ, आदिलाबाद तेलंगाना जी, नागपुर आया हूँ जी, और क्या बोलते हैं मुंबई में कई जगह आया हूँ और मुमरा। तो आपको क्या ऐसा महाराष्ट्र कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यार महाराष्ट्र मुझे देता है, बहुत मोहब्बतें देता है, और इन मोहब्बतों का मैं हमेशा जो है बड़ा शुक्रिया अदा करता रहा हूँ और करूंगा। ये जो महाराष्ट्र या इंडिया के ऊपर आप एक दो मिसरे बोलिए ना, इंडिया के ऊपर भारत, जो भारत देश है उसके ऊपर आप अपने दिल में कितना प्यार करते हैं भारत के लिए? तो भारत देखिए, भारत के लिए तो हर भारतवासी के आप जो है बहुत प्यार करता है अपने मुल्क से, अपने वतन से। तो मैंने एक जो है वो कौमी एकजहती पे चार मिसरे कहे थे कि जिसने सारे भारत में ये काटम काट मचाई है, मैं कैसे रहबर कह दूं उसको वो तो दंगाई है, मैं कैसे रहबर कह दूं उसको वो तो दंगाई है, जाने कैसी साजिश खेली मेरे देश के नेता ने, एक दूजे का दुश्मन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, एक दूजे का दुश्मन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जी। अभी आपके वाली साहब बता रहे थे आप खुद ही लिखते हैं जी, हाँ, तो ये कमान कहाँ से मिला आपको? कमान ये मैं जो है पहले तो पहली लाइन जो होती है वो मैं लिखा, तो उसके बाद पहली जो राइमिंग होती है वो बैठाने की कोशिश की। अब जैसा कि जमाना हो गया और दिखाना हो गया, छुपाना, मतलब राइमिंग जो होती है वो मैंने बैठाने की कोशिश की, तो जब वो बैठाया तो उसमें ढेर सारे जो है उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मतलब लिखने लगा। उसके बाद जो गलतियां रहती हैं सलाह करवाता हूँ, जो गलतियां रहती हैं अल्लाह तो वो ठीक करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के फेमस मुशायरे में जैसा इमरान प्रताप बड़ी है, उनसे कभी मुलाकात हुई क्या? अरे बिल्कुल, वो बड़ी मोहब्बतें देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। प्रतापगढ़ में हमारे खुद प्रतापगढ़ में एक प्रोग्राम था, उन्हीं के जश्न में, वो यश भारती अवार्ड से सम्मानित थे, तो उन्हीं के जश्न में एक प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम का हिस्सा मैं था, तो वहां भी मुलाकात हुई थी, और होती रहती है अमूमन जो है मुशायरों की स्टेज पर मुलाकात होती रहती है, और बड़े बड़ी मोहब्बतें देती है। अभी पिछले दिनों यहाँ आपके निर्मल आए थे जी, तो निर्मल आए थे तो एक इंटरव्यू में कहे भी थे मेरे बारे में कि बड़ी हमारी दुआएं उनके साथ है छोटा इमरान प्रताप की, तो उन मोहब्बतों का शुक्रिया भाई की। अभी कल ही आज तक पे उनका एक हाँ जी 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 साहित्य तो जैसा कि अब यहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आपने जो मुशायरे कर रहे हैं तो उनकी एक दो लाइन आप बता दीजिए। हाँ जी, तो मैं चार मिसरे की, अब जैसा कि इस मुशायरे के जो मतलब कन्वीनर हैं वो इमरान खान भाई हैं, तो मैं उनकी नजर करता हूँ चार मिसरे के। है ये इरशाद माँ का साहिबे ईमान बनना है, अली सिद्दीक अकबर और उमर उस्मान बनना है,
भले ही एक दिन की जिंदगी हो शेर जैसी हो, मेरे भाई तुझे मैं सूर का सुल्तान बनना है। और टीपू सुल्तान जी के हवाले से चार मिसल मैंने इस तरीके से भी कहे थे कि ये क्या बोलते हैं, ऐसा था वो, मतलब ना उनके ऊपर मैंने आज जो है एक नई नज्म लिखी है रास्ते में, तो वो नई नज्म जो है आज शेयर करने वाला, आज शेयर करूंगा, तो बड़ी खूबसूरत नज्म है मेरी आप तक की जितनी भी नज्म। अच्छा, जो ये जो शेर लिखते हैं आप, इसमें कुछ गलतियां होती है? हाँ। तो फिर इसमें कुछ कमेंट्स आते होंगे ना आपको? हाँ बिल्कुल आते हैं, जाहिर सुधारने के लिए भी, या फिर कुछ शोर शराबा करने के लिए कुछ बवाल भी पैदा होता है, तो वो हिसाब से लिखते होंगे आप? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे बड़े बड़े शायर जो हैं, जैसे मुनव्वर साहब और राज साहब, इन सबको कमेंट लोग करते हैं कि भाई मतलब कहीं ना कहीं जो है गलतियां हर एक इंसान से हो जाती हैं, तो उन गलतियों का ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, मैं तो ये कहूंगा, और छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं तो हम मतलब उससे जो है बहुत फर्क पड़ता है। जी, आपको इतने चाहने वाले रहते, आपके इतने दोस्त रहते, तो वो जैसे कमेंट करते ना, तो आपको कैसा लगता है उनसे चाहने वालों को? मतलब कैसा कमेंट, गंदा या गंदा, या आपको कमेंट कमेंट अगर वो मुझे करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो गंदा हो चाहे वो अच्छा हो, चाहे मेरी तारीफ के लिए हो चाहे मेरे खिलाफत के लिए हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका जवाब देता हूँ, चाहे जिस तरीके से देना पड़े मैं उसका जवाब देता हूँ, तो और उसका जवाब देना भी चाहिए, जो सवाल जायज सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। आखिरी में आप ऑडियंस को या आपके चाहने वालों को क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जो है सबसे जरूरी अगर कुछ है, सबसे जरूरी है तो पढ़ाई स्टडी करिए। मेरे जो हम उम्र दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा बनना है तो सबसे जरूरी है पढ़ाई करना, और इस वक्त मुल्क में जो हालात है वो हालात ऐसे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं उनके और उन पर बड़ा ये प्रभाव पड़ेगा, ये अगर हम नहीं पढ़े, हम नहीं हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि वो पढ़ें और जो है पढ़ के आगे चल के इस देश इस मुल्क का मुस्तकबिल बने, और इस मुल्क की हर एक गद्दी पर वो बैठे रहें, चाहे क्योंकि मतलब जो बहुत सारे ऐसे मसले आए, अब आप देख लीजिए अजीम मदरसे में पढ़ता था एक 8 साल का मासूम बच्चा, उसे पीट पीट कर मार दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब नजीब को दिल्ली से गायब कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। अखलाक को गाय के नाम पर मार दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। तो ये सुनवाई तब होगी जब आप सिस्टम का हिस्सा होंगे, और वो सिस्टम का हिस्सा तभी होंगे जब आप पढ़ाई करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं सभी दोस्तों से यही गुजारिश कर लूंगा कि वो पढ़ाई करें, सबसे जरूरी है पढ़ाई, और अपने सभी दोस्तों से गुजारिश और करूंगा कि अपने अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन की जो है बड़ी खिदमत करें, क्योंकि अपने वालिदैन की खिदमत करने में जो मजा है वो किसी भी चीज में मजा नहीं। अब आपको बता दें कि अम्मी जान के कदमों में जन्नत और अब्बू जान की दरवाजा। तो मैं तो कहूंगा कि खिदमत करें, मैं उन पर भी चार मिसरे पढ़े थे कि अगर माँ बाप के दिल में उतर जाओ तो बेहतर है, अगर माँ बाप के दिल में उतर जाओ तो बेहतर है, कि उनके हुक्म की तामील कर जाओ तो बेहतर है, उठाओ नाज नखरे और खिदमत भी करो उनकी, नहीं तो डूब कर चुल्लू में मर जाओ तो बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे हमारे यहाँ के यहाँ पर आए वाले किन्नौर में छोटे इमरान प्रतापगढ़ी, ये बहुत फेमस है मुशायरे के लिए, और उनको हम हमारी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और आगे की जिंदगी के लिए खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। के साथ समाचार समाप्त होते हैं, देखते रहिए आपकी।